हमारा आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। डाइजेशन एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया जिसमें अलग अलग तरह का फूड टूट जाता है छोटे छोटे कणों में और इसको पचाया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। फूड का डाइजेशन एलिमेंट्री कैनल के जरिए होता है। यह लंबी ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक जाती है, पर एलिमेंट्री कैनल बड़ी होने के कारण इसको अलग अलग तरह डिवाइड किया गया है, जिसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ऊपरी यह हिस्सा बकल कैविटी है, फिर इसके नीचे फूड पाइप या फिर इसे ओसोफेगस भी कह सकते हैं, फिर इसके नीचे है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज। इसके अलावा इसमें दो ग्लैंड्स भी होती हैं, लिवर और पैनक्रियास, जो डाइजेशन में मदद करता है। फूड को बॉडी में माउथ के जरिए डाला जाता है, फूड को चबाया जाता है और सलीवा के साथ मिक्स करके बकल कैविटी इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस आता है के भीतर सलाइवा, जिसे लार भी कहते हैं। यह बल्कि डाइजेस्टिव जूस होता है जो सेलेवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है और चबाया हुआ खाना फूड पाइप के जरिए किसी बैग जैसी चीज़ में डाल दिया जाता है, जिसे स्टमक भी कहते हैं। स्टमक में फूड धीरे धीरे टूटने लगता है। फूड को पचाने के लिए स्टमक म्यूकस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी चीज़ों को रिलीज करता है, ये जूस होते हैं। फिर उसके बाद फूड को आगे की तरफ धकेला जाता है घुमावदार ट्यूब में, जिसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फिर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेस्टिव जूस पैनक्रियास और लिवर से मिलता है। लिवर के जूस को बाइल पिगमेंट कहते हैं और पैनक्रियास के जूस को पैनक्रियाटिक जूस। वैसे तो थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रोड्यूस करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर्स जैसी चीज़ें होती हैं, जिनको विली कहा जाता है। इन विली में पूरा ब्लड सेल्स का नेटवर्क होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन से भेजते हुए उसमें से नमक और पानी को सोख लिया जाता है और फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।